हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एक्स वाई जेड। आज हम स्टडी करने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने लेसन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में यूज आती है उसे क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फॉलो थ्रू द मेटल। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मेटल में फ्लो होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ मेटल में ही फ्लो होता है। सेकंड है, इंस्टेड द मेटल वायर्स द जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। अगर हमारे पास मान लो वायर नहीं है तो क्या हम जूट का यूज कर सकते हैं सर्किट बनाने में? बिल्कुल नहीं, वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ सीट ऑफ थर्माकोल। बिल्कुल फॉल्स, इलेक्ट्रिक करंट थर्माकोल से पास नहीं हो सकता है क्योंकि थर्माकोल इंसुलेटर होता है। तो हमें बताना है जो डायग्राम दिया गया है तो उसमें जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जो टूल बीच में लगा हुआ है उसका एक एंड जो है प्लास्टिक से बना है और प्लास्टिक जो होता है इंसुलेटर होता है, है ना? तो इसीलिए जो लाइट का पाथ है या करंट का पाथ है कंप्लीट नहीं हो रहा। द बल्ब वुड नॉट ग्लो द अरेंजमेंट बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर इन सेंटर। सर्किट के बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। What is the purpose of using an electric switch? Name some electric gadget that have switch built to them. Electric switch का use हम क्यों करते हैं और ऐसे gadget का नाम बताने हैं जिसमें हम electric switch का use करते हैं। तो electric switch का हम use करते हैं circuit को break करने के लिए ताकि वो appliance बंद हो जाए। The purpose of electric switch is to complete or break the circuit. The electrical gadget that have switch built on them, a fan, refrigerator, television और electric cooker, इन सब में switches का use होता है। Next question है, using conduction tester on an object, it was found that the bulb begin glow. Is that object conductor? और एन इंसुलेटर, एक्सप्लेन। अगर हम किसी कंडक्शन टेस्टर का यूज़ करते हैं, बच्चों कंडक्शन टेस्टर वो डिवाइस होती है जिसे हमें पता चलता है कि कोई किसी चीज़ में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, तो ऐसी डिवाइस को कहते हैं कंडक्शन टेस्टर। तो अगर कंडक्शन टेस्टर का बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, इसे एक्सप्लेन करना है हमें। तो कंडक्शन टेस्टर का बल्ब तभी ग्लो करता है जब किसी में विद्युत या जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित हो रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर किसी में करंट पास हो रहा है तो वह कंडक्टर है। द ऑब्जेक्ट इज द कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन कंडक्टर इज यूज। जब कंडक्टर का यूज किया जाता है तब ही बल्ब ग्लो करता है, इंसुलेटर के टाइम बल्ब ग्लो नहीं करता है, बट नॉट व्हेन द इंसुलेटर इज यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते हुए इलेक्ट्रीशियन रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है, इसीलिए अगर कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रीशियन को चोट नहीं आएगी। द इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल द रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम बिकॉज द रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर। दिस प्रोटेक्ट हिम फॉर अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैंडल ऑफ टूल लाइक
screwdriver and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? जो स्क्रूड्राइवर और प्लेयर्स इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उनका हैंडल जो होता है यूजुअली प्लास्टिक और रबर का बना होता है, ऐसा क्यों होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्क्रूड्राइवर और प्लेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है उनका हैंडल प्लास्टिक का या रबर का इसलिए बना होता है क्योंकि प्लास्टिक और रबर जो होता है इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिशियन का जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे या इलेक्ट्रिक करंट उसकी बॉडी को हार्म ना पहुँचा सके, इसीलिए वो प्लास्टिक के बने हुए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड पिलर्स आर यूज बाई इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क बिकॉज द प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड द प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बच्चों टूल्स जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, अगर उन पे प्लास्टिक या रबर का हैंडल नहीं लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रीशियन को शॉक लग सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए।